मास्टर, आपका नया आविष्कार क्या काम करता है? ये एक कैमरा ड्रोन है। कैमरा ड्रोन? सही कहा। एक बार जब ये जादुई पत्थर देख लेगा तो फोटो खींच के हमें भेज देगा। ये काम को बहुत ही आसान कर देता है। वाओ मास्टर, अब हम आराम कर सकते हैं। सारा काम ये करेगा। जरा रुको। क्या हमें कुछ मिला? अभी नहीं, ये तो वही जानवर है, जरूर कुछ करने वाले हैं। डब्लू और मैं हरी घाटी पर नजर रखेंगे। हमें एक नए नेता की जरूरत है आज के लिए। तो कौन बनेगा? हर किसी में नेता बनने की काबिलियत नहीं होती। शरीर की ताकत ही काफी नहीं है, दिमाग की ताकत भी चाहिए। अंजलि, नेता में तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहिए। तुम तो बहुत स्लो हो। और तुम दोनों, तुम्हें तो कोई पूछता ही नहीं है। मैं सबसे काबिल हूँ यहाँ नेता बनने के लिए। राजा लल्लू ने सही कहा। जहाँ तक लखा की बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, तुम ही बन जाओ। मेरा वोट राजा लल्लू को जाता है। राजा लल्लू कैप्टन बनेंगे। राजा लल्लू कैप्टन बनेंगे। तो बस तय हो गया, राजा लल्लू आज का हमारा नेता है। कैप्टन लल्लू। ओए लल्लू, करमचंद बहुत तेज है, जरा ध्यान रखना। भालुओं के बिना ये जानवर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये बहुत ही अच्छा मौका है, हमारे रास्ते में अब कोई भी नहीं आएगा। लगता है एक जादुई पत्थर मिल गया। वो जादुई पत्थर मेरा है। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। सावधान। पहली बात, हमें करमचंद से सावधान रहना होगा। और दूसरी बात, काम में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लैला, मजनू, तुम दोनों ऊपर से नजर रखोगे और हर आधे घंटे में मुझे रिपोर्ट करोगे। समझ गए? समझ गए। अब बचे तुम दोनों। कल ही तुम पूरब की तरफ जाओगे और अंजलि पश्चिम की तरफ देखेगी, ठीक है? राजा लल्लू बहुत तेज है बाबू। क्योंकि अब मैं नया नेता बन गया हूँ तो इस खुशी में हमें जश्न तो मनाना ही चाहिए। बिल्कुल। तुम्हें पता है कि अपने नेता की इज्जत कैसे करनी चाहिए बाबू? तुम बहुत समझदार हो। और ये रहा आपका प्रश्न। एक नेता का काम बहुत थका देने वाला होता है, मुझे सोने के लिए समय चाहिए। बाबू सावधान रहना, गड़बड़ हो तो मुझे जगा देना। ठीक है। बाबू आओ बचाओ मुझे। राजा लल्लू, हमला! राजा लल्लू से दूर रहो और अब वापस मत आना, वो अब कैप्टन है। जल्दी आओ बचाओ मुझे। राजा लल्लू, आप ठीक तो है ना? मेरी इज्जत तो मिट्टी में मिल जाएगी। जब तक मैं हूँ करमचंद को पत्थर कभी नहीं मिलेगा। एक मिनट, ये तस्वीरें मैंने तो कभी नहीं खींची। आखिर ये तस्वीरें खींच कौन रहा है? अरे नहीं, मुझे इन्हें बताना चाहिए। जरा सुनिए, मैं अभी थोड़ी देर में वापस आता हूँ, आप लोग यहीं रुकिए। कहाँ है ये? लोकेशन यही बता रहा है कि यही कहीं होगा। हाँ,
लगता है ऊपर होगा। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, तो फिर गया कहाँ? हटो हटो यहाँ से, हटो यहाँ से। खाली अंजलि, रुक जाओ रखा, क्या बात है? कोई तुम पे नजर रख रहा है, जरा इसे तो देखो, तुम्हारी ये तस्वीरें पूरे इंटरनेट पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को देखो। यहाँ क्या हो रहा है? आप लोग अपना काम क्यों नहीं कर रहे? ये तो ड्रोन कैमरा है, ये तो मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। वो जादुई पत्थर कहाँ हो सकता है? और मेरा नया ड्रोन भी गायब हो गया। मास्टर, आपके लिए एक अच्छी खबर है और एक बुरी खबर भी है, पहले कौन सी सुनाऊं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मिस्टर बिल्ला, जल्दी बताओ। अच्छी खबर ये है कि आपका कैमरा ड्रोन मिल गया। लेकिन कहाँ? और बुरी खबर ये है कि उसमें एक जादुई पत्थर है। सच में? तो चलो जल्दी चले। हमें पता करना पड़ेगा ये सब कर कौन रहा है। हमारी मदद करो। एक बदमाश ड्रोन हमारी तस्वीर ले रहा था। देखो वो आ गया। अरे चलो, डर लगा है, चला रहा है। हम इसी को तो ढूंढ रहे थे। अब तुम राजा लल्लू से बच नहीं सकते। वो मेरा है। तुम फिर जा गए? कैसे हो लल्लू? यहाँ से जाओ, तुम हमारा पीछा क्यों कर रहे हो? यहाँ से जाओ। तुम जादुई पत्थर संभालो, मैं इसे देखता हूँ। और अब तुम तैयार हो जाओ मेरे हथौड़े की ताकत देखने के लिए। राजा लल्लू, मजा चखा दो। हाँ, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी। लल्लू कितना लल्लू दिख रहा है। मस्त काम करो प्लीज, तुम्हारे हंसने से मुझे तकलीफ हो रही है। मिस्टर बिल्ला, जाओ वो पत्थर लेकर। हाँ मास्टर। हमारी रहते तुम कभी जीत नहीं सकते। रास्ते से हटो। चलो अब खेल खत्म करते हैं। छोड़ो मुझे। मैं उनका लीडर हूँ, मैं उन्हें तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। करम ज्ञान। मैं तो मजाक कर रहा था दोस्तों, हटो यहाँ से। हाँ जरूर। अब तो मैं आजाद हूँ, तेरी ऐसी तैसी। मुझे कुछ नहीं हुआ। अब बच के दिखाओ। अब ये लो। मास्टर, मुझे जादुई पत्थर मिल गया। चलो करम चंद। क्या चले लल्लू, तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ, पर चोट जोर से लगी है। ओए, इतना सब कुछ एक दिन में हो गया? बाप रे। और बुरी बात यह है कि उसके पास एक और जादुई पत्थर है। लल्लू ने आज काफी हिम्मत दिखाई है, तो इतना मायूस मत हो, आज उसने हमारी जान बचा ली। अगली बार से मैं और बेहतर काम करूंगा। सही कहा, लेकिन वो फोटोज भी बहुत अच्छे थे। तुम सब बहुत बुरे हो। ये सबको पता है। हाँ? मैं अपने लक्ष्य के और करीब आ चुका हूँ, जल्दी सबको दिखाऊंगा मैं। हाँ?
अच्छा, क्या तुम्हें नया ब्रेड मेकर मिल गया? शुक्रिया मम्मी, मुझे मिल गया। मैं रोज सुबह ताज़ा ब्रेड बना के खाता हूँ, ये मेरे काफी काम आता है। ओ मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर दिया करना। बिल्कुल मम्मी। हाँ, काम से फोन है। हेलो, आज सैलरी का दिन है ना? लखा, दरअसल एक समस्या है। कैसी समस्या? क्या मेरी सैलरी को लेकर? ओ तुम शांत हो जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। हाँ? लेकिन तुम्हें थोड़ा इंतजार करने की जरूरत है, उम्मीद है अगले महीने तक। देखो ये कठिन समय हम सब के लिए, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए कुछ खाना भेजा है। खाना भेजा है? राइट, तनख्वाह चाहे देर से दूं, लेकिन तुम्हारी फिक्र है मुझे। वाह, आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। लखा जी, आपके लिए पार्सल आया है। या, चलो देखते हैं उन्होंने क्या भेजा। एहे, रहा नहीं जा रहा। बॉस ने अंडे भेजे? अब इतने अंडे को मैं क्या करूंगा? अब मैं इतने सारे तो नहीं खा सकता ना। अरे हाँ, मास्टर, क्या आपको लगता है हम फिर से सफल हो पाएंगे? आज संभल कर रहेंगे। बनाना ब्रेड, ताजा ताजा बनाना ब्रेड, गर्मा गर्म लेके चाहिए। सबको यही बेच रहा है, चलो यहाँ से। नहीं रुकिए, ये बहुत टेस्टी है। ये तो लखा है, ये ब्रेड क्यों बेच रहा है? भाई, क्या मैं इसमें से थोड़ा शहद खा सकता हूँ? अभी नहीं डब्लू, पहले लखा को ढूंढते हैं, फिर सब लोग पिकनिक पे चलेंगे। वो आज पिकनिक मना रहे हैं। समझ गया। हम सब साथ में मिलकर भरपेट खाना खाएंगे। बिल्कुल ठीक। ये तो लखा है ना? हाँ? अरे नहीं, अब मैं क्या करूँगा? लखा? तुम लोग यहाँ कैसे? हम सब पिकनिक पे जा रहे हैं, तुम चलोगे? हाँ हाँ। पिकनिक में ऐसी कौन सी खास बात है? वहाँ पर बहुत सारा खाना होगा। क्या सच में? सोचो लखा, बहुत सारा खाना, वो भी मुफ्त में। मैं जरूर चलूंगा दोस्तों। बाबू, वहाँ से जाकर कुछ और फल लेकर आओ। ए लखा, तुम क्या लेके आए हो? मैं भी एक बहुत टेस्टी चीज लाया हूँ, और उसे मैंने अपने हाथों से बनाया है। तुम्हें बहुत मजा आएगा। सच में? क्या ये लखा का नया ब्रेड मेकर है? बहुत अजीब दिख रहा है बाबू। जरा जल्दी करो। वो चीज अपने आप हिल रही है क्या? नहीं हो सकता। चलो कुछ पकाते हैं। शायद कितना मीठा होता है। हाँ, मेरे सेब कहाँ गए? मेरे अखरोट भी गायब हो गए। भाई, क्या तुमने मेरे सारे सेब खा लिए? मेरे पास खुद का खाना है, तुम्हारा क्यों खाऊं? वे मेरे सेब कहाँ गए? मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम एक लालची भालू हो, मैंने और मंगवाया है। मेरे सारे केले कौन चुरा के ले गया? क्या तुमने किया? लखा? मैंने नहीं लिया। तो फिर कौन इतना मतलबी हो सकता है? अरे चिंता मत करो दोस्तों, मैं जो लाया हूँ वो पसंद आएगा। एक बार खाएंगे तो बार बार मांगेंगे। टन टन, मैं लाया हूँ बनाना ब्रेड, मेरी माँ बनाती थी, खा के तो देखो। ये खुल क्यों नहीं रहा? ये मेरे ब्रेड मेकर जैसा तो नहीं लगता। चलो लखा, लालची मत बनो, हमारे साथ भी बांट लो। ये नहीं सुधरेगा। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये क्या हो रहा है? आटा तैयार है। ये क्या हो रहा है? सबके लिए है।
ये बात कर मैं चल रहा है तेरी तो मेरा हाथ जल गया जोर का झटका जोर से लगाओ ओए मैंने पकड़ लिया ये क्या हो रहा है ओए लखा ये आखिर हो क्या रहा है मुझे नहीं पता डब्लू राजा लल्लू आंखें खोलिए जादुई पत्थर और वो अपने आप चल रहा है पत्थर ने उसे जिंदा किया होगा अब समझ में आया कि माजरा क्या है ओए चलो गुड लक दोस्तों मिस्टर बिल्ला क्या तुम्हें कुछ नजर आया अभी नहीं मास्टर ठीक है अगर तुम्हें कुछ मिला तो मुझे जरूर बताना हाँ मास्टर मिल गया जादुई पत्थर आज मेरा बहुत ही लकी दिन है आइए कुछ रोटी बनाते हैं मेरा चॉकलेट बार रोटी तैयार है तुम मुझे मेरा चॉकलेट बार वापस करो चलो पकड़ते हैं आगे बढ़ो दोस्तों तुम्हारी दिक्कत क्या है ये अपने आप कैसे हिल रहा है अच्छा अब समझा वो जादुई पत्थर मेरा है वो रहा मेरा ब्रेड मेकर करमचंद अब तुम्हारी खैर नहीं तुम लोग यहाँ तुम लोग तो पिकनिक मना रहे थे ये फिर से भाग रहा है वापस आओ वो मेरा है ओए बिल्कुल नहीं रोटियां बनाने का समय है फ्लाइट मोड आगे बढ़ो ओए पीछा करो हेलो यूड लाइव हो कहाँ गए तुम लोग ओए मैं यहाँ हूँ लखा भाई कहाँ हो तुम दोनों कहीं मैं खो तो नहीं गया ए वहाँ पर कौन है तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते डब्लू तुम कितने भारी हो हाँ कहाँ गया वो वहाँ है वो बहुत बढ़िया अब तुम मेरे हो ये लो उसने खा लिया मेरा प्लास्टर काम नहीं कर रहा है और मैं उसे छू नहीं सकता लगता है अब कोई दूसरी तरकीब आजमानी होगी भुट्टे का हमला चलो कुछ रोटी बनाए ओ ये मशीन कहाँ चली गई ओ हाय मेरी कमर की तो बैंड बज गई मुझे माफ करना लखा मैंने जानबूझकर नहीं किया चलो भी कोई बात नहीं हमें उस मशीन को ढूंढना चाहिए ओए लखा जल्दी पकड़ उसे मुझसे बच्चे कहाँ जाओगे बेटा प्लीज मुझे कुछ मत करना डब्लू रोको उसे मैंने पकड़ लिया ये तो बहुत गर्म है भाई अरे ये तो गर्म है भाई ना खा ये तो गर्म है डब्लू नहीं 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 ये बहुत गर्म है मुझे ये बहुत गर्म है बेकार के मशीन ने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया है बाय ओए ये तो फटने वाला है लखा पकड़ इसे मुझे मत दो नहीं बाय मैं कहता हूँ वो मशीन मुझे दे दो ओए करमचंद ये लो पॉपकॉर्न धमाका बचालो ये रुक गया चलो शुक्र है पत्थर मिल गया हमें और पत्थर मिल गए करमचंद के पास इसे ज्यादा नहीं हो सकते और मेरी माँ का तोहफा भी बच गया लेकिन हमारा पिकनिक तो बर्बाद हो गया ना मुझे बहुत जोर की भूख लगी है कोई बात नहीं तुम लोग मेरे घर चलो मैं तुम लोगों को ताजा ब्रेड खिलाता हूँ मास्टर क्या ठीक है मैं हार नहीं मान
एक और पत्थर मिल गया, जितने ज्यादा हमारे पास उतना अच्छा, क्योंकि फिर करमचंद कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ओए डब्लू, तुमने मुझे डरा दिया भाई। इन पत्थरों को ध्यान से रखो, हम इन्हें खो नहीं सकते। चलो देखते हैं कि लखा घर पे क्या कर रहा है। ओए ये, ये, ओए लगता है वो मुसीबत में है। ओए लखा, क्या हुआ? अच्छा तो ये बात है, मुझे लगा तू चीख रहा है। ओए हाँ, हम तेरे लिए कुछ लाए हैं। ओए मेरे कान। बिल्कुल सही वक्त पे आए हो, मैं बस रियाज ही कर रहा था। मैं बनूंगा एक रॉक स्टार, या फिर तुम कह सकते हो एक मास्टरो, और फिर इस जंगल में ढेर सारे टूरिस्ट आएंगे। मुझे याद आया, हमें जाना पड़ेगा। हमें सच में काम है। तुम अभी नहीं जा सकते, मैं गाना सुनाऊंगा। मेरा नाम है लखा, हैरान हो जाओगे पक्का। जुड़े हो ये चुप हो जाता का। देखा, मैं टैलेंट की दुकान हूँ। हाँ तू तो बॉम्बे जा सकता है। गाना तो अच्छा था, पर सुर की कमी थी। हाँ, ओह शायद तुम सही हो। एक मिनट रुको, मैं भी वापस आता हूँ। भाई चलो भाग चलते हैं। तैयार हो? हम लोग तो कब से तैयार बैठे हैं। तुम लोग मेरे सबसे बड़े फैन हो। ओए भाग यहाँ से। तुम लोग तैयार हो? मैं आ गया। कहाँ गए ये लोग? अजीब बदतमीजी है। वाह, ये गिटार तो बहुत अच्छा है। लगता है डब्लू बब्लू मुझे यही तोहफा देने आए थे। यह अब तो मैं सच में एक रॉकस्टार बन जाऊंगा। अब जाके जान में जाना ही, मेरे कान फटने ही वाले थे। ओए डब्लू, पत्थर किधर है? अरे नहीं, वो कहाँ चला गया? लगता है मुझसे गिर गया। ओए मैंने कर दिखाया, मैंने अखरोट का टावर बना दिया। कितना सुंदर लग रहा है, शायद इतना भी नहीं है। मैं रोने से अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रही? मुझे लग रहा है मैं बहुत दुखी हूँ। मेरा गाना लोगों के दिलों को छू रहा है, मैं तो जीनियस हूँ। मैं रो क्यों रही थी? ओ, मेरा टावर! ला 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 ला। बहुत दर्द है। राजा लल्लू, आप ठीक हो जाएंगे? मेरे म्यूजिक से तुम्हारा दर्द छूम अंतर हो जाएगा। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काम हो गया। ये क्या है? एनुअल म्यूजिक फेस्टिवल, और वो भी ओपन माइक। लगता अपना टाइम भी आ गया। कुछ आदमी पत्थर कहाँ हो सकता है? बहुत बढ़िया। और अब मुझे भूख भी बहुत लगी है। क्या मुसीबत है, ये सब उन जानवरों की वजह से हुआ। क्या चाहिए आपको? कुछ भी नहीं चाहिए, बस बैठ। क्या आप यहाँ कुछ ऑर्डर करना पसंद करेंगे, या अपने लिए एक टिकट खरीदना चाहते हैं आप? क्योंकि आज फेस्टिवल है। एक फेस्टिवल? बिल्कुल भी नहीं। इन नौसिखियों के लिए कौन पैसा देगा? ऐसा है क्या? तुम बहुत घटिया हो। ये सच नहीं है, अपनी सबसे महंगी डिश लाओ। कोई बात नहीं, मैं अभी लेकर आता हूँ। तो लीजिए, हाजिर है ड्रैगन नूडल्स सिर्फ आपके लिए। क्या कहा? इतना पैसा इसके लिए? और ड्रैगन, वो भी इस नूडल्स में? ध्यान से देखिए, हरी सब्जी भी है इसमें, मूंगफली के दाने मोती की तरह है इसमें। रही बात ड्रैगन की, तो वो मेरा नाम है। इतना पैसा इसके लिए? इतना पैसा खर्च हो गया, पैसे की बर्बादी है ये। ये क्या हो रहा है? मुझे टिकट में कुछ मिला है क्या? इस म्यूजिक की वजह से हो रहा है क्या? ये लखा है, ये यहाँ क्या कर रहा है? वो रहा वो पत्थर उसके गिटार में। क्यों?
तो तालियों से स्वागत करें हमारे अगले प्रतियोगी मिस्टर लखा। सॉरी, मैं हूँ टूर गाइड लखा उर्फ रॉकस्टार। चलो शुरू करो। बैंक बैलेंस आते ही खत्म, पता नहीं खत्म क्यों ना होता मेरा काम। पैसों की कमी से मैं हो गया हूँ तंग, पैसों की कमी से मैं हो गया हूँ तंग। पैसे आएंगे तो नई बस खरीदूंगा, अपने टूरिस्ट को घुमाऊंगा। बुरा हुआ, बुरा हुआ, क्यों नहीं होता रे? बुरा हुआ, मेरी जिंदगी कितनी कठिन है, बहुत ही कठिन है। मेरी जिंदगी कितनी कठिन है। हाँ, बहुत अच्छे, वाह, कमाल कर दिया। लेकिन इसका मतलब मेरे सपने भी है, एक नहीं बहुत सारे सपने हैं। एक दिन मैं अपनी बस खरीद लूंगा। आओ सपने पूरे करें, हम सबके भी सपने हैं। झूमो नाचो गाओ मेरे गाने पे, झूमो नाचो गाओ मेरे गाने पे। जम के रंग जमाओ मेरे फसाने पे, जम के रंग जमाओ मेरे फसाने पे, नाचो मेरे संग। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू सो मच। वाह, ये तो कमाल हो गया, मुझे मजा ही आ गया। गया, मुझे वो पत्थर दे दो। क्या, तुम कहाँ से आ गए? मिस्टर बिल्ला, मुझे बैकअप चाहिए। कॉपी मास्टर, ईयर मफ साथ लेते आना। लखा, मुझे वो पत्थर दे दो। हिम्मत है तो मुझसे लेके दिखाओ। ये क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी अच्छी कमर मटका लेते हो। ये कहाँ गया? तुम्हारे पीछे। आखिर मैंने कहाँ गिराया होगा? ये लखा है। ये लखा करमचंद के साथ तकदीनादिन क्यों कर रहा है? चलो देखते हैं। भाई हम क्यों नाच रहे हैं? ओए मुझे नहीं, मेरा शरीर अपने आप नाच रहा है। तो तुम कैसे भागते हो? वो पत्थर मेरा है। अब आ गया लखा। वो पत्थर जो उस गिटार में है वो मेरा है। क्या, वो पत्थर गिटार में है? अरे हाँ लखा, पत्थर मत गुमाना। ये मुझे कंट्रोल कर रहा है। अरे नहीं, खुश क्यों है? मुझसे बात कर खुश हूँ। मेरा पत्थर। जाने दो। मेरा पत्थर। ओए मुझे रोना क्यों आ रहा है? मेरे मास्टर से दूर हो जाओ। मास्टर, मुझे दो। क्या? अब मैं वो आवाज नहीं सुन पाऊंगा। ये पत्थर मेरा हुआ। मेरा गिटार, हाँ ये टूट गया। एक और जादुई पत्थर मेरे हाथ लगा। जल्दी, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। भाई मैंने सब गड़बड़ कर दी। ओए कोई ना डब्लू, सब ठीक होगा। मैं इसको दोबारा कभी नहीं बना पाऊंगा, ये टूट गया। ओए लखा, उदास मत हो। हम इसके लिए एक नया गिटार बनाते हैं। सच में?
हुर्रे।